हाय दोस्तों, हर हर गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप देख रहे हैं दृश्य, हर की पैड़ी के पास एक माता रानी का दरबार है। वहाँ पे सुबह के 10 बजे और दोपहर के 2 बजे लंगर लगता है, पूरी सब्जी मिलती है प्रसाद के रूप में, और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आपको प्रसाद ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चलते हैं, अभी आप दृश्य देख रहे हैं दोपहर 2 बजे का। तपती धूप में काफ़ी सारे श्रद्धालु माँ गंगा में आज तक डुबकी लगाने अभी आ रहे हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि आप दोपहर का भी वीडियो बनाएं, जिससे हमें पता चले कि दोपहर में कितना श्रद्धालु स्नान करते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु आप देख रहे हैं सिर में कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज है। चलते हैं, अभी हर की पैड़ी का दृश्य आपको दिखाते हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि होटल धर्मशाला अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी सारे श्रद्धालु का कहना था कि हम हर की पैड़ी कैसे पहुँचे। सारे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वाली डोर है हर की पैड़ी में प्रवेश करने का मेन डोर, हम इधर से प्रवेश नहीं करेंगे, हम चलेंगे आगे की ओर। आप सबसे एक प्यारे से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हरिद्वार यात्रा की जो जानकारी प्राप्त होते रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी तेज धूप की वजह से खुले पैर नहीं चल पा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप समझ सकते हैं तेज धूप होने की वजह से ज़मीन काफ़ी ज़्यादा तपा हुआ है। ये है हर की पैड़ी का दृश्य आप देख रहे हैं। हवा अच्छी चल रही है दोपहर में, और दोपहर में श्रद्धालु की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। अननोन व्यक्ति या महिला में विश्वास ना करें, और यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिससे आपको या फिर आपके साथी को नुकसान हो। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। ये दृश्य नए घाट का देख रहे हैं आप। जल की गति फिर से काफ़ी तेज हो चुकी है। अभी एक दो दिन में जल की गति काफ़ी तेज थी, फिर से थोड़ा कम हो चुकी थी, आज फिर से तेज हो चुकी है। काफ़ी तेज़ है आज जल की गति, और जल की शीतलता तो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा शीतल माँ गंगा की धारा होती है। और आप देख रहे हैं हर की पैड़ी में काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं निर्मल धारा के पास, धारा की गति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। अभी हम चलेंगे महिला घाट, ब्रह्मकुंड घाट का दृश्य आपको दिखाएंगे। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं अभी, तो ऐसे रूम या धर्मशाला या होटल को लेके किसी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं है। आप केवल हर की पैड़ी में स्टे करना चाहते हैं, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है। हर की पैड़ी के आसपास काफ़ी सारे होटल धर्मशाला है, ख़ासतौर पर धर्मशाला जहाँ पे आपको अच्छे रेट में अच्छे रूम मिल जाते हैं। काफ़ी सारे वीडियो हमने बना रखा है धर्मशाला का, आप एक बार कांटेक्ट करें। सूखी नदी के पास भी अच्छे अच्छे धर्मशाला है, भीमगोड़ा के पास अच्छे अच्छे धर्मशाला है, भूपतवाला में भी अच्छे अच्छे धर्मशाला है। आप वीडियो को एक बार जरूर देखें, और वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके कंफर्म करें कि वहाँ पे रूम अवेलेबल है या नहीं। जल की गति आप देख रहे हैं काफ़ी तेज है। अभी हम हैं ब्रह्मकुंड के पास, और ब्रह्मकुंड के पास का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि कोविड टेस्ट का क्या है। कोविड टेस्ट का ऐसे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, आप आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि होने की वजह से आपका एक कर्तव्य है कि आप कोविड की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। अभी हम आ चुके हैं महिला घाट पे। महिला घाट
में भी जल की गति आप अभी देख रहे हैं काफ़ी तेज है। सबसे कम जल की गति हर की पैड़ी में होती है और सबसे तेज नई घाट पे। अगर आप मालवीय घाट में स्नान करना चाहते हैं, जैसे कि आपको जो अभी दिख रहा होगा काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बना हुआ है, ये मालवीय घाट है और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ पे सुविधा है इसके वजह से, लेकिन जल की गति काफ़ी तेज यहाँ पे होती है। हम आ चुके हैं ब्रिज के पास, ये महिला घाट का ब्रिज है और यहाँ से काफ़ी सारे श्रद्धालु निर्मल जल में छलांग लगाते हैं, तो ऐसे करने से बचे, इसमें आपको चोट भी लग सकती है। हरिद्वार में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी और अभी ऐसे यहाँ पे दृश्य देखने को मिल रहा है जिसमें महिला भी काफ़ी ज़्यादा आप सबको नुकसान पहुँचा सकती है, तो आप अननोन व्यक्ति हो या फिर अननोन महिला हो, आप किसी पर भी विश्वास न करें, आप अपना सामान का ध्यान खुद रखें। काफ़ी ज़्यादा सतर्क है पुलिस उत्तराखंड की, अभी ऐसी भी कोई गतिविधि न करें जिससे आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को परेशानी हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे।